चुनाव के बाद इनको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। ये आंदोलन बिना गिरफ्तारी के खत्म नहीं होगा, बल्कि ये जो है क्या कहते हैं, ज्यादा जिद करेंगे तो जो है और धर्मिता दिखाएंगे तो हो सकता है कि ये यहां तक पहुंच जाए कि जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होगी तब तक हम नहीं हटेंगे। कुल मिला के सवाल सिर्फ कुश्ती फेडरेशन का नहीं है, फेडरेशन का है सरकार कि पॉलिटिकल कंट्रोल जो फेडरेशन है वहां पे पैसा से लेके यौन उत्पीड़न के मामले बहुत ही ज्यादा है। और चूंकि इस समय मैक्सिमम फेडरेशनों में बीजेपी के लीडरों का कब्जा है, तो ऑटोमेटिक है कि यौन उत्पीड़न और पैसे के हेरा फेरी का कोई मामला आएगा तो ये पकड़े जाएंगे। उन्होंने ये मामला इसलिए क्लोज कर दिया कि वो अपना कंधा जो है सरकार के बचाव में नहीं देना चाहते, क्योंकि फिर ये कहते हैं कि साहब अब FIR हो गई, आप जो है कहिए कि वो लोग उठे वहां से, वो धरना खत्म करें। लड़कियों ने भी जो पहलवान है उन्होंने घोषित कर दिया कि चाहे आप सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश हो, जब तक ये गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम अपना धरना नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि लीपापोती करने की कोशिश होती रही है, हो सकती है इस बार भी होने की शत प्रतिशत गुंजाइश है, खाली ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डर से FIR कर लिया है। तो पुलिस की तो क्रेडिबिलिटी ये हो गई है कि उसको जो है मतलब क्या कहते हैं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कार्रवाई करेगी। बीजेपी का तो ये जो रवैया है, या तो बीजेपी की नीति ही है कि लड़कियों के मामले में जो उनका रवैया है वो एकदम पूरी तरह से पुरुषवादी या मेल डोमिनेटेड है कि लड़कियां गलत ही बोलती हैं, लड़कियों का सारा आरोप गलत हो सकता है। अरे आरोप गलत हो जाएगा तो फिलहाल आप जांच के दायरे में उनको लेके आइए, उनको इस्तीफा दिलवाइए और उसके बाद जांच करवाइए। अगर निर्दोष होंगे तो लड़कियों के लिए भी लॉ है, ऐसा थोड़ी है कि कोई फॉल्स एलिगेशन लगा के बच जाएगा। कोर्ट के पास वो भी पावर है कि अगर फॉल्स एलिगेशन लगाएंगे तो उनको कोर्ट कन्विक्ट भी कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। इस तरह का आरोप तभी लगता है, वो भी सामूहिक रूप से तब लगता है जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है। जी जब तक बर्दाश्त करने की हद होती है तब तक सब लोग अपने जो है मान मर्यादा इज्जत को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए इस तरह के आरोप जल्दी नहीं लगाते। तो बृजभूषण शरण सिंह ने सब पानी ऊपर कर दिया था, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के साथ उनका लड़का, लड़के का साला, दामाद सब फेडरेशन में किसी न किसी पद पर हैं। मतलब जी बिल्कुल उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली है। सवाल यह है कि जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं, तो आरोप तो कोई भी लगाता है, और इस आरोप के दुरुपयोग में कोर्ट ने एक नई व्यवस्था लागू कर दी है कि जो लोग इन आरोपों को लगाने के बाद कंपनसेशन पाने के अधिकारी हैं, अगर वो समझौता कर लेते हैं या अपने आरोप वापस ले लेते हैं तो उनसे कंपनसेशन की वसूली की जाए जो उनको मुआवजा दिया गया था। क्योंकि कहीं ना जी कहीं कोर्ट को भी लग रहा है कि जो है क्या कहते हैं, ये मिसयूज करने के लिए या पैसा लेने के लिए इस तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं, और बाद में दूसरी पार्टी से भी पैसा लेकर के सब मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आरोप सामूहिक रूप से लग रहा और कई पहलवान इस आरोप को कह रहे हैं, कोई एक पहलवान नहीं कह रहा, एक पहलवान कहता तो हो सकता है कि ना कारखाने में टूटी की आवाज हो जाती। क्योंकि ब्रजभुवन सिंह के जो शरण सिंह के जो वीडियो में देख रहा था उसमें आज उनकी चेहरे पे बड़ी घबराहट सी थी, और सामान्य रूप से जो 4-5 दिन पहले तक बहुत ही एग्रेसिव इंटरव्यू दे रहे थे, वो एग्रेसिवनेस खत्म होने के बाद एक चेहरे पे है इस तरह से लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनका साथ अब छोड़ रही है। जो भाजपा की तरफ से उनको प्रोटेक्शन मिल रहा था वो शायद भाजपा के नेताओं को अब आंदोलन की गंभीरता पता चल गया है, इसलिए वो शायद कह रहे होंगे कि आप अब अपने लेवल पे निपटो, हम साथ में नहीं खड़े होंगे। भारत में एक कहावत, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। अगर आपके ऊपर कोई गंभीर आरोप हो तो विनम्र रहिए और ना छोड़कर विनम्र होते हुए स्वीकार करिए, लेकिन दादागिरी चलता नहीं है एक लंबे समय। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। बात हो रही है पहलवानों के धरना की, और बीजेपी सांसद, रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, और 23 अप्रैल से पहलवान धरने पर बैठे हैं। कई घटनाक्रम तेजी से हुआ है इस बीच, सब आपको जानकारी है, लेकिन आज किसान भी जुटे हैं और खाप पंचायत आप जानते हैं, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में काफी सक्रिय पंचायत है, एक तरह उनका भी दिल्ली में आगमन हुआ है।
खबर है कि बॉर्डर पर महिलाओं ने बैरिकेड तोड़कर वो जंतर मंतर पहुंच गई। इसी बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। शुरू में तो बहुत फेवर में थे वो, जनवरी में भी जब आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भी, अभी भी बहुत तीखे तेवर में थे, लेकिन धीरे धीरे तेवर ठंडा पड़ने लगा है। क्या उनको ये संकेत मिल चुका है कि शायद सरकार धीरे धीरे इसमें से हाथ खींचेगी? मामला गंभीर संगीन होता जा रहा है, आंदोलनकारी जंतर मंतर पर डटे हैं और प्रदर्शन तेज हो रहा है। कई तरह के लोग, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल क्लास, किसान, कई तरह के नेता वहां पे पहुंच रहे हैं। क्या है मायने और इस संदर्भ में ब्रजभूषण शरण सिंह का वीडियो आया है, उस वीडियो के क्या मायने है? क्या तेवर कुछ नरम हुआ है या वैसा ही है? इस एपिसोड में चर्चा करेंगे, जेपी सिंह साहब हैं और संजीव जी हैं। संजीव जी हरियाणा में रहते हैं, इसलिए खाप पंचायत के इतिहास पे उनकी अच्छी जानकारी है। क्या वो एक बार जब डिसीजन लेते हैं तो फिर उसमें डटे रहते हैं? क्या है मामला वो भी समझेंगे। जेपी सिंह साहब इलाहाबाद में रहते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के इतिहास से परिचित हैं। क्या है मसला और जो FIR है वो सब आप जानते हैं, इसी पे चर्चा करने वाला हूँ। स्वागत है सर अम्बेडकर नाम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। तो चलिए पहले संजीव जी के पास चलते हैं, 5 मिनट संजीव जी पहले कि क्या वीडियो में क्या कह रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। देखिये, जब ब्रजभूषण शरण सिंह का वीडियो अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले, मैं आधी रात में, कल शायद आधी रात में, अभी जो बीती रात आधी रात पे उन्होंने अपील करी है खाप पंचायतों से कि उनके ऊपर बेवजह का एलिगेशन है, इस एलिगेशन में कोई दम नहीं है, हमने कुश्ती के लिए बहुत कुछ किया। और पूरी तरह से उन्होंने इस जो पहलवानों के जो जंतर मंतर पे जो धरना चल रहा है उसको राजनीतिक करार देते हुए उन्होंने ये कहा कि इसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुडा और उनके बेटे, जो उनके बेटे दीपेंद्र हुडा की भूमिका है, और वो राजनीतिक कारणों से उसको टारगेट कर रहे हैं। और उन्होंने इवन की अपनी वीडियो में चंद्रशेखर रावण और राकेश टिकैत की बड़ी आलोचना करी, आम आदमी पार्टी की बहुत आलोचना करी, प्रियंका गांधी से उन्होंने अपील करी सॉफ्ट टोन रखते हुए कि आपको महीने दो महीने बाद बहुत पछतावा होगा कि आपने दीपेंद्र हुडा और भूपेंद्र हुडा की झूठ हुई बातों में आके इस आंदोलन को आपने मतलब की सपोर्ट किया। और उन्होंने कहा कि फेडरेशन के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, पहलवानों के लिए बहुत कुछ किया, खाप पंचायत के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, बाकी सारे पहलवानों से बात करें और उन पहलवानों से बात करने के बाद उनको पता चलेगा कि हमने क्या किया है, कितना 30-35 करोड़ रुपए हमने फेडरेशन के अंदर अपने जेब से लगाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 4-5 लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो बजरंग पुनिया हो, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे साक्षी मलिक हो, ये वो लोग हैं जो अब सीधा ही खेलना चाहते हैं, ट्रायल बीच में देना नहीं चाहते हैं, और जब से फेडरेशन ने रूल्स चेंज किया तो ये आंदोलन कर रहे थे क्योंकि इनको ये डर था कि ये ट्रायल के दौरान ही सिलेक्शन के टाइम में निचले पहलवानों से हार जाएंगे, तो इन्होंने हमें हटाने के लिए षड्यंत्र रचा है। जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए गए हैं, ना इनको कोई डेट का पता है, ना इनको कोई दिन याद है। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि हमारे ऊपर क्या कहा जाता है, जो आरोप लगा है वो 2-3-4 महीने में क्लियर हो जाएगा, अगर मैं दोषी होऊंगा तो मैं आपके सामने आऊंगा, मुझे जूते से मारना, और प्लीज किसी ढंग से, चूंकि ब्रजभुवन सिंह के जो शरण सिंह के जो वीडियो में देख रहा था उसमें आज उनकी चेहरे पे बड़ी घबराहट सी थी, और सामान्य रूप से जो 4-5 दिन पहले तक बहुत ही एग्रेसिव इंटरव्यू दे रहे थे, वो एग्रेसिवनेस खत्म होने के बाद एक चेहरे पे है इस तरह से लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनका साथ अब छोड़ रही है। जो भाजपा की तरफ से उनको प्रोटेक्शन मिल रहा था वो शायद भाजपा के नेताओं का आंदोलन की गंभीरता पता चल गया है, इसलिए वो शायद कह रहे होंगे कि आप अपने लेवल पे निपटो, हम साथ में नहीं खड़े होंगे। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इनका साथ छोड़ रही है और इससे ये परेशान है ब्रजभूषण शरण सिंह, और इनको अब ये लड़ाई अकेली लड़नी, लड़ाई अकेले लड़ना पड़ेगा। जेपी सर जी, जो महिला पहलवान है, पहलवान जो धरना दे रहे हैं वो जाट समुदाय से, और ये समुदाय जैसा कि हम सब जानते हैं अस्मिता के सवाल पर, खास तौर से महिला अस्मिता के सवाल पर बहुत ही रिजिड एग्रेसिव है। इंटरकास्ट मैरिज भी होती है तो आपके कई तरह की खबरें आती हैं ये कैसे फरमान जारी होते हैं,
क्या कोई महिला उस समुदाय की, इतनी सारी महिलाएं एक साथ, क्या इस तरह के आरोप लगा सकती हैं? देखिए सर, आरोप लगाने की बात यह है कि इस तरह का आरोप तभी लगता है, वो भी सामूहिक रूप से तब लगता है जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है। जी जब तक बर्दाश्त करने की हद होती है तब तक सब लोग अपने जो है मान मर्यादा इज्जत को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए इस तरह के आरोप जल्दी नहीं लगाते। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने सब पानी ऊपर कर दिया था, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ उनका लड़का, लड़के का साला, दामाद सब फेडरेशन में किसी न किसी पद पर हैं। मतलब बिल्कुल उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली। सवाल यह है कि जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं, तो आरोप तो कोई भी लगाता है, और इस आरोप के दुरुपयोग में कोर्ट ने एक नई व्यवस्था लागू कर दी है कि जो लोग इन आरोपों को लगाने के बाद कंपनसेशन पाने के अधिकारी हैं, अगर वो समझौता कर लेते हैं, अपने आरोप वापस ले लेते हैं, तो उनसे कंपनसेशन की वसूली की जाए जो उनको मुआवजा दिया गया था। क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट को भी लग रहा है कि जो है क्या कहते हैं, ये मिसयूज करने के लिए या पैसा लेने के लिए इस तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं, और बाद में दूसरी पार्टी से भी पैसा लेकर के सब मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता। तो कहने का मतलब है कि अगर आरोप सामूहिक रूप से लग रहा है और कई पहलवान इस आरोप को कह रहे हैं, कोई एक पहलवान नहीं कह रहा, एक पहलवान कहता तो हो सकता है कि न कारखाने में टूटी की आवाज हो जाती। मैंने इसके पहले भी कहा है और मैं फिर कह रहा हूं कि जब फिल्म लाइन के इतने लोगों के खिलाफ, जब एमजे अकबर जो उस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी जी के पहले कार्यकाल में मंत्री थे, उनके खिलाफ मी टू और इस तरह का जब आरोप लगा तो उनको जो है मुकदमा लड़ना पड़ा, उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया जिसमें वो हार गए, उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ गया। तो ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह उसमें कोई अपवाद नहीं है। फिर आप ही कहते हैं कि क्या हुआ, FIR हुआ तो मुकदमा लड़ लीजिए, आप बेगुनाह होंगे तो छूट जाएंगे। तो ये जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर लागू हो रहा है तो फिर ये तर्क कहाँ चल जा रहा। फिर अब सब हिंदुत्व का मामला है इसमें, ये मामला तो है ना कि कौन जो है उसमें दूसरे धर्म का है, कौन अपने धर्म का, सब अपने ही है। लेकिन अब संयोग ऐसा है कि इस समय जो दोनों लोग हैं जिन पर आरोप लग रहा है और जो आरोप लगा रहे हैं, संयोग ऐसा है कि वो सारे के सारे इस समय के राजनीतिक, अगर घटनाक्रम या राजनीतिक आप गिरोहबंदी को देखेंगे, तो ये सारे लोग लगभग लगभग एक आध स्टेट छोड़ करके हरियाणा, जिसे संजीव भाई ने पिछली बार बताया था, ज्यादातर उसमें भाजपा के ही समर्थक हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा के समर्थक, राजस्थान में वसुंधरा राजे की वजह से जाट जो है बाई एंड लार्ज जो है क्या कहते हैं भाजपा के समर्थक। तो सवाल इस बात का है कि हरियाणा है जहां मतलब जाट जो है वो क्या एक प्रकार से कांग्रेस में ही ज्यादातर है, भाजपा में अगर कुछ है भी तो कम है। तो कहने का मतलब है कि जाट भी नहीं खोना चाहते, आप राजपूत भी नहीं खोना चाहते, और एक बिंदु ऐसा आता है जिस बिंदु पर आपको निर्धारण करना पड़ता है कि हम इधर हैं कि उधर हैं। और नहीं, आप किधर भी मत रहिए, आप सीधे सीधे कानूनी एजेंसियों से कहिए कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसके अनुसार वो कार्रवाई करें। हम इसमें कहीं कोई पार्टी नहीं है, ना हम इनकी तरफ से कुछ कहेंगे ना हम उनकी तरफ से कुछ कहेंगे। आपने किया आप भोगिए, वो करे वो आरोप लगा रही वो भोगे, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। लॉ ऑफ द लैंड यहाँ लागू होगा, और लॉ ऑफ द लैंड जो होगा वो होगा। अब उसमें दोनों पक्ष आपसे खुश रहेंगे या दोनों पक्ष आपसे नाराज हो जाएंगे? तो नाराज हो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो सवाल इस बात का है कि लेकिन आपको एक निष्पक्ष रूप से आपको एक लाइन लेनी पड़ेगी कि आप किस लाइन पर चलेंगे। ब्रजभूषण सिंह ने बेमतलब ये जुमला नहीं फेंका था कि मेरे अखिलेश से बहुत अच्छे संबंध हैं, और अखिलेश ने इस बारे में कुछ कहा नहीं। वो अखिलेश या लोगों को नहीं बता रहे थे, वो भाजपा को बता रहे थे कि अगर जो है तुमने हमारे साथ कुछ किया तो अखिलेश वाली खिड़की हमारी खुली हुई है। इस सबका बहुत लंबा निहितार्थ होता है, इस सबका जो है वो इनोसेंट वाला मामला नहीं है कि इनोसेंटली आपने कुछ कह दिया, इसका लंबा निहितार्थ है कि अखिलेश वाली खिड़की हमारी खुली हुई है। तो इसलिए जो है अच्छा, फिर आपने देखा होगा कि इसके पहले राजनीतिक घटनाक्रम में आपका धनंजय सिंह जो है जनता दल यू में है, और जनता दल यू और जो है सपा का जो है विधानसभा को लेके उसको लेकर एक प्रकार से गठबंधन जैसी घोषणा हुई है, ये दोनों मिलके चुनाव लड़ेंगे, और उसमें धनंजय सिंह का नाम आपके जौनपुर से चल रहा है। तो आप धनंजय सिंह को ब्रजभूषण शरण सिंह से अलग कैसे करके कैसे देखते हैं?
राजा भैया के फिर से सपा के फोल्ड में आने की चर्चा चल रही है, तो आप राजा भैया और बृजभूषण शरण सिंह को कैसे अलग करके देखते हैं? दूसरी बात, आप जो है सपा है नहीं, जो नीलकंठ की तरह जो है विष जो है पी करके गले में लटका ले, चाहे फायदा हो या नुकसान। आप तो बहुत मॉरलिस्ट हैं, आप तो पार्टी विद डिफरेंस है, तो आपके यहाँ जब इस तरह का मामला फंस जाता है तो फिर आपकी बेहयाई उजागर होने लगती है। आप चाहते हैं कि आपका नाम भी ना आए, आपको कार्रवाई भी ना करनी पड़े, तो ये सब बातें नहीं चलती, कभी ना कभी मामला फंसता ही है। मैं आपको प्रयागराज की बात बता रहा हूँ, यहाँ झूसी में यादवों का दो गिरोह ग्रुप आपस में लड़ता रहता है। अब सवाल इस बात का है कि जब चुनाव आता है तो दोनों ग्रुप अखिलेश के नाम पर एक नहीं होता, एक ग्रुप जो कैंडिडेट घोषित होता है वो यादव नहीं कोई और भी घोषित हो, उसमें अगर एक ग्रुप पहले से सटा होता है तो दूसरा ग्रुप उसका नैसर्गिक विरोध करने लगता है, फिर अखिलेश के नाम पर वोट नहीं देता, तो इसमें कभी हार भी हो जाती है कभी जीत भी हो जाती है। तो इस तरह की परिस्थिति में कि जब सब हिंदू ही हैं, तब एक राजपूत हैं और एक जाट हैं, और सब जो है सामान्य वर्ग के और सवर्ण माने जाते हैं, जाट भी उत्तर प्रदेश में सवर्ण माने जाते हैं, तो अब ऐसे में जो है आपके लिए तो इधर कुआं उधर खाई है। तो आप जो है जब इस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो चुनिए, या तो जाके समझौता कराइए, या चुनिए कि दोनों में से कौन उचित है कौन अनुचित है। जी संजीव जी, जरा खाप पंचायत के बारे में बताइए कि अगर उन्होंने ये निर्णय किया है कि दिल्ली पहुंचेंगे आएंगे, तो देखिए, क्या ये कोई पुलिस पुलिस से डरेंगे कि अपना वो जो आंदोलन है वो तेज करेंगे? दो तीन दिनों में, पिछले दो तीन दिनों में कई जगह पे जो हरियाणा के जो ये जो अंदर के जो जिले थे वहां पे सड़कों पे खापों की तरफ से मीटिंग हुई थी, और सिंबॉलिक इन्होंने दो तीन चार घंटे, पांच पांच घंटे के लिए टोल्स भी फ्री करवाए थे, और कम से कम ये तो गवर्नमेंट को एक आशंका थी कि ये कहीं जिस तरह से किसान मूवमेंट की तरह टोटल टोल्स ये फ्री करवा दिए थे हरियाणा के अंदर, और गवर्नमेंट के रेवेन्यू का बहुत भारी नुकसान एक साल में हुआ था, और साथ में ही इनको ये भी है कि दिल्ली के आसपास जो अगर किसान आ गए धरना, जैसे आज पंजाब के भी किसान पहुंचे हैं, पंजाब की महिलाएं बहुत है जंतर मंतर पे, तो कहीं देर से बेसिकली भारतीय जनता पार्टी वालों को देर से समझ में आती है, और इनका इंटेलिजेंस इनपुट कितना वीक है कि पिछले बार किसान मूवमेंट के दौरान भी ये बुरी तरह से फंसे, और इस बार भी इनको ये आशंका है, क्योंकि इनको पहले ही इन परिस्थितियों में मामला कोई बहुत बड़ा नहीं था, और चूंकि जो ये जो जाटों के जो जो खाप पंचायत है वो सीधा सीधा इनका गोत्र से संबंधित होता है, जो जाटों के अलग अलग गोत्र हैं, जैसे मलिक गोत्र है, सांगवान गोत्र है, वो क्या कहा जाता है, फोगाट गोत्र है, जैसे विनोद फोगाट जो है, तो इसी तरह के जितने जितने जो इनके गोत्र हैं उनके गोत्रों के अलग अलग खाफ हैं, तो वो अपना उस हिसाब से उनकी पंचायतों की मीटिंग है, और उसके बाद वो मीटिंग में सारे एक सारो खाप पंचायत होती है, कभी कभी एक ही गोत्र का पंचायत होता है, तो ये जिस ढंग से मोबिलाइजेशन हो रहा था और जिस ढंग से लग रहा था कि पंजाब के भी कुछ कुछ किसान संगठन इनको सपोर्ट करेंगे, निश्चित रूप से दिल्ली के सराउंडिंग तो एक बहुत मजबूत इनका एक सोशियो इकोनॉमिक जो है जो ये लोग हैं, तो मेरा ये मानना था कि सरकार इस मामले में बहुत ही क्या कह सकता है कि पॉलिसी पैरालिसिस में रही एक तरह से, कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह को गवर्नमेंट कर सकती थी या फिलहाल रिजाइन दी, जब पहली बार इनका हुआ था इनको ये तो ऐसे ही लग रहा था कि तीन चार पहलवान बैठे हैं ठंडे हो जाएंगे, या इनको मनाने की कोशिश भी अंदर खाते की गई होगी। दूसरा मामला ये पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गया, जिसका अंदाजा होते हुए भी इग्नोर करते रहे, क्योंकि पॉलिटिकल इसलिए हो गया कि फेडरेशन जो कुश्ती के मामलों में जो हरियाणा के लीडर भी उतना ही इंटरफेयर करते हैं जितना ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपना फेडरेशन के अंदर किया, तो निश्चित रूप से उनको एक मौका मिला, तो ये जो है यहाँ पे इस चीज का अंदाजा नहीं लगा पाई है कि ये पॉलिटिकल राइवलरी फिर बाद में राजनीतिक उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी किसान आ गए, अब सवाल ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को भी इसका क्या अंदाजा नहीं था कि इस तरह से उनको रात में आके खाप पंचायतों से अपील करनी पड़ी। अगर ये मामला वही खत्म हो जाता कि जब ये उनके खिलाफ शिकायत गई थी, तो ब्रजभूषण शरण सिंह को खुद ही पीछे हटके फेडरेशन को छोड़ के कहते जब तक जांच हो रही है मैं पीछे हट रहा हूँ, मैं फेडरेशन के सारे पॉलिटिक्स से अलग हो रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं, उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी हटा लेना चाहिए था, लेकिन वही जो एक होती है ना अकड़। हम उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 8-10 जिलों में हम प्रभावी हैं, इधर ये भी कह रहे हैं कि हम भी
25-30 जिलों में प्रभावी है। अब भारतीय जनता पार्टी की एक और समस्या है, भारतीय जनता पार्टी में जो एक जो कॉरपोरेट डिजाइन से काम करता है, तो हरियाणा उत्तर प्रदेश वो दोनों उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा का जो सबसे इम्पोर्टेंट शहर गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत और ये जो इम्पोर्टेंट जो NCR के जो जिले हैं वो कॉरपोरेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसका सीधा कॉरपोरेट को होता है। और उसी ढंग से नोएडा का आप देख लीजिए कि नोएडा भी एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट इंटरेस्ट है, और बीजेपी का इकोनॉमिक अपना भी इंटरेस्ट है कि इन शहरों पे डायरेक्ट रूल करना चाहती है बीजेपी। बड़े अलग अलग तरह के इंटरेस्ट होते हैं कि जहाँ कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट आता है तो वहाँ पे तरह तरह के इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को भी उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो बीजेपी कभी नहीं चाहती, पहली बार हरियाणा में सत्ता में आई फिर दूसरी बार आ गई, बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि ये गुड़गांव से लेके सोनीपत तक का पूरा NCR का रीजन भाजपा के हाथ से निकल जाए। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि नोएडा से गाजियाबाद और ये जो बड़े अमीर डिस्ट्रिक्ट है इनके हाथ से निकल जाए इंडस्ट्रियल जो टाउनशिप है। प्रॉब्लम यह है कि दोनों जगह ये वहां वही कम्युनिटी मजबूत है जो कम्युनिटी के जो बच्चियां हैं आंदोलन कर रही हैं। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी असमंजस की स्थिति आ गई और बीजेपी फंस गई। बीजेपी को तो आगे कुआं पीछे खाई है। अब भाई एक का तो नुकसान होगा, देखिए बीजेपी के प्रॉब्लम क्या आ गई, एक भी बीजेपी का जाट लीडर बीजेपी या ब्रजभूषण को लेकर कहीं पे स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के दो इंपॉर्टेंट लीडर हैं, सत्यपाल सिंह जो है मेरठ से सांसद, जो बागपत से सांसद है, और मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव वालियान है, चारों ने चुप्पी साध रखी है। उनको अपना खतरा नजर आ रहा है कि अगर उन्होंने कोई पार्टी लाइन पे या कुछ भी बयान दिया, वो खुल के इन लड़कियों के सपोर्ट में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि भाजपा उनपे सेंटर उनपे दबाव डालेगा, उनको आउट भी कर सकता है, उनको ये डर है। अगर वो लड़कियों के विरोध में बोलेंगे, ब्रजभूषण के सपोर्ट में बोलेंगे, तो पूरा का पूरा जो उनका मतदाता सपोर्ट है वो खत्म हो जाएगा। इसी ढंग से हरियाणा में तो भाजपा के दो इंपॉर्टेंट जाट नेता है, कैप्टन मनु सिंह, वीरेंद्र सिंह, ओम प्रकाश धनखड़, इनकी मजबूरी है, ये खुल के आए। वीरेंद्र सिंह खुल के आए लड़कियों के सपोर्ट में, ओम प्रकाश धनखड़ खुल के लड़कियों के सपोर्ट में आए, क्योंकि सारी लड़कियां हरियाणा की है, अगर सपोर्ट में नहीं आएंगे तो इनकी राजनीतिक डेथ हो जाएगी, पॉलिटिकल डेथ। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत पहले ही ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर ये बड़ा ही सख्त रवैया अपनाना चाहिए था। वही जैसे हो गया कुलदीप सिंह सेंगर को टालते रहे, यही जैसे हरियाणा में एक मंत्री है वो लगातार विवादों के कारण सरकार को फंसा रहे हैं जो खेल मंत्री है। ये बीजेपी का जो रवैया है, या तो बीजेपी की नीति ही है, लड़कियों के मामले में जो उनका रवैया है वो एकदम पूरी तरह से पुरुषवादी या मेल डोमिनेटेड है कि लड़कियां गलत ही बोलती हैं, लड़कियों का सारा आरोप गलत हो सकता है। अरे आरोप गलत हो जाएगा तो फिलहाल आप जांच के दायरे में उनको लेके आइए, उनको इस्तीफा दिलवाइए और उसके बाद जांच करवाइए, अगर निर्दोष होंगे तो लड़कियों के लिए भी लॉ है। ऐसा थोड़ी है कि कोई फॉल्स एलिगेशन लगा के बच जाएगा, कोर्ट के पास वो भी पावर है कि अगर फॉल्स एलिगेशन लगाएंगे तो उनको कोर्ट कन्विक्ट भी कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी तरह से एक्सपोज हुई है इस पूरे मामले में, और भारतीय जनता पार्टी को इसका राजनीतिक नुकसान भी होगा। जेपी सर, वोट के गणित में और जातीय समीकरण के गणित में, मतलब न्याय अन्याय जो प्रक्रिया है, वो विमर्श है, कानून का राज, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है और भारत की एक त्रासदी है। देखिए सर, ये त्रासदी वगैरह की बात तो अपनी जगह पर कायम है, सबसे बड़ी बात ये है ना कि चीन चीन के यहाँ कार्रवाई होती है या नहीं होती। केंद्र में दूसरी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में संभवतः मुलायम सिंह की सरकार थी, एक मेरठ में कविता चौधरी हत्याकांड हुआ था। एक मेरठ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की थी कविता चौधरी की, जिसके जो है वो क्या कहते हैं जाट लड़की संभवतः थी, जिसके बहुत लोगों से संबंध थे, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मंत्री मेहराजुद्दीन से संबंध थे, एक संभवतः कोई कौन कृष्णपाल सिंह या कौन किससे संबंध थे, और मामला CBI जांच में गया था, और जांच में जाने के बाद जो है ये सारे मंत्रियों को बुला के CBI सवेरे से शाम तक ग्रिल करती थी, क्योंकि तब केंद्र में दूसरी सरकार थी और राज्य में दूसरी सरकार था। मामला यही कि भाई लड़की गायब हो गई, इसमें तो खैर लड़कियां हैं और बाकी सेक्स स्कैंडल, यहां तक कि वो जो मिराजुद्दीन या मेहराजुद्दीन जो थे उनका CD भी बाजार में सर्कुलेट हो गया था उस लड़की के साथ, और उस लड़की के बारे में ये कहा जाता था कविता चौधरी के कि उसका जिससे भी संबंध है सब लोगों की CD उसके पास हैं, वो बहुत बड़े पावर सेंटर या ब्लैकमेलिंग सेंटर या उसके रूप में जो है वो उभर रही थी। तो कई कॉन्फ्लिक्ट हो गया जो है उसमें, जो है उस लड़की को जब दिया गया और उसकी लाश तक नहीं मिली। बाद में एक मिडिल मैन था, उसने कहा कि नहीं, वो भी उसको भी पकड़ा था CBI ने, उसने कहा कि नहीं हमने मारा है।
तो कहने का तात्पर्य है कि चेहरा देख देख के जब कार्रवाई होगी तो ये मामला फंसेगा ही, और कभी ना कभी जो है वो मुल्ला जी की तरह जो डूब करके पानी पीते थे नदी में और मछली गले में अटक गई, तो गले में मछली अटकेगी। यहाँ सबसे बड़ी होशियारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब केस क्लोज किया इस मामले में, तो ये पूरे देश में जो सुप्रीम कोर्ट से बहुत लोग आशा लगाए रखते थे कि अभी उल्टा टांग देगी बृजभूषण शरण सिंह को, तो उनको ये निराशा हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया और केस को क्लोज कर दिया। केस उन्होंने इस आधार पर क्लोज किया कि जो आपने दाखिल की थी हमारे यहाँ उसमें केवल आपने एफआईआर की बात की थी, एफआईआर हो गई। अब अगर आपको कोई एफआईआर में जांच नहीं हो रही है, नहीं हो रही, तो आप अपने हाई कोर्ट में जा करके जो है उसकी कार्रवाई के लिए करने कहने के लिए स्वतंत्र। लेकिन अगर वहां आप हाई कोर्ट में जाके स्वतंत्र हैं, तो एक प्रकार से इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी स्वतंत्र हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेश दिया कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए फिर हमारे आइए। तो अब उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने ये मामला इसलिए क्लोज कर दिया कि वो अपना कंधा जो है सरकार के बचाव में नहीं देना चाहते, क्योंकि फिर ये कहते हैं कि साहब अब एफआईआर हो गई, आप जो है कहिए कि वो लोग उठे वहां से, वो धरना खत्म करें। लड़कियों ने भी जो पहलवान है उन्होंने घोषित कर दिया कि चाहे आप सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश हो, जब तक ये गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम अपना धरना नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि लीपापोती करने की कोशिश होती रही है, हो सकती है इस बार भी होने की 100% गुंजाइश है, खाली ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डर से एफआईआर कर लिया है। तो पुलिस की तो क्रेडिबिलिटी ये हो गई है कि उसको जो है मतलब क्या कहते हैं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कार्रवाई करेगी। ऐसे भी लोग अगर आप काफी हाउस में जाकर के बुद्धिजीवियों के बीच में बैठे, तो लोग कहते हैं कि जिसमें मॉनिटर करती है कोर्ट उसमें तो कुछ कार्रवाई होती है, जहां मॉनिटर नहीं करती वहां कुछ कार्रवाई नहीं। और मॉनिटर करने में भी अगर जो है राजनीतिक विचारधारा का जो है व्यक्ति बन गया, तो एक बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कहते हैं पूरे गुजरात कांड की एसआईटी जांच कराती है, और एक बार सुप्रीम कोर्ट जो है जाकिया जाफरी की याचिका को एक के बाद एक रद्द कर देती है, जिसमें स्पेसिफिक मांग की गई है कि 3 दिन के लिए गुजरात में कुछ नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट के भी जजों के बैठने से बहुत सी चीजों का निर्धारण होता है कि पीठ में कौन बैठा है, कौन बैठेगा, कल क्या आदेश दिया था, आज क्या आदेश होगा। तो ये सब एक जो है वो क्या कहते हैं बहस और विवाद का मुद्दा है। अब केस क्लोज करके उन्होंने तो अपना कंधा बचा लिया कि भाई जो है अब आप उनके पाले में गेंद डाल दी, ये सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया। नहीं तो सरकार के तुषार मेहता साहब जाके कहते कि साहब हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इनको तो कहिए कि ये उठ जाएं, अब वो उठ नहीं रही हैं। खाप वाले जो है आ गए हैं, उग्रहा जो है जो सबसे बड़े वहां के नेता है किसान नेता, और जिनका गुट पंजाब में सबसे बड़ा ग्रुप है किसान यूनियन का, वो जो है पहुंच गए हैं। राकेश टिकैत पहुंच गए हैं, और जो है खाप जो है वो पहुंचने की प्रक्रिया में है। तो ये एक प्रकार से मिनी किसान आंदोलन के रूप में बदलता जा रहा है, क्योंकि सब जो है वो क्या कहते हैं ज्यादातर उसमें पहलवान जाटों की बिटिया हैं, और खाप सब जाटों का है, किसान यूनियन पर भी उधर जो है सब जाटों का ही जो है मतलब वर्चस्व है। इसलिए ये मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है, जो बीजेपी के लिए ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। फिर इसके लिए बीजेपी ने कोई जो है वो मोदी सरकार ने कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया कि इस मामले में जो है कोई जो है समझौता हो जाए, अनुराग ठाकुर को आगे कर देते हैं, जो केवल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि सारी मांगे मान ली गई, पुलिस जांच कर रही सारी मांगे मान ली गई। असली बात यह है कि उनका कहना है कि जब पास्को का भी मुकदमा दर्ज हुआ है तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, आप गिरफ्तार कर लीजिए तो हम मान लेंगे कि आपने मांगे मान ली है, उस दिशा में मामला चल रहा है, तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, और लोगों तो आप तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं, इसमें आप जांच पड़ताल कर क्यों जांच पड़ताल कर रहे हैं भाई आप। अच्छा फिर आपने लड़कियों का जो है कलमबंद बयान जो है को मजिस्ट्रेट के सामने करा दिया, उसमें भी उन लोगों ने जो है तमाम आरोप लगाए कि इन्होंने यहाँ छुआ वहां छुआ वहां छुआ, और सब जो है आपका जो कानून में संशोधन हुआ और सब जो है बलात्कार के समतुल्य है, आप किसी को भी गलत इरादे से आप छूते हैं तो ये बलात्कार के समतुल्य है। और एक आपको याद होगा या आप जानते भी होंगे, एक देश में स्पर्श चिकित्सा भी है, एक लाइन है जो है वो क्या कहते हैं जो सामान्य चिकित्सा प्रक्रिया उससे अलग हो गया कि स्पर्श चिकित्सा भी है। इसमें मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये एक जो है जो सेक्स के तमाम प्रकार हैं, यूनिसेक्स बाई सेक्स ओरल सेक्स, इसी का एक एक सेक्स का प्रकार टच सेक्स है।
आप अगर सिनेमा हॉल में जाएं और खूब भीड़ भाड़ हो, जब जिस समय लोग निकलते रहते हैं सिनेमा खत्म होता है, तो अगर आप जो है निगाह डाल के देखें तो उसमें हो सकता है एक दो लोग ऐसे हों जो जानबूझ के इधर से उधर जा करके महिलाओं से लड़कियों से अपना शरीर को ऐसे बस टच करते हैं। आप यहाँ मेला लगता है, मेले में आप चले जाएं जो है क्या कहते हैं, जैसे प्रयाग हम लोग के रोशन बाग में जो है आपका पूरा ईद का मेला लगता है पूरा 1 महीना, ईद का बहुत बाजार सस्ता है, इसमें बहुत लोग कुछ लेते नहीं है, रात भर केवल घूम के टच टच सेक्स करते हैं, टच सेक्स, समझे आप। तो लेकिन ये भी जो है आपका बलात्कार के परिभाषा में अब दर्ज हो गया है कि अगर आप किसी को भी गलत इरादे से छूते तक हैं तो भी आपके ऊपर जो है वो उसका मुकदमा चलेगा। तो अगर खुल करके एक एक नहीं सात सात लड़कियां कह रही हैं, तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि सात लड़कियां मनगढ़ंत कह रही हैं, एक कह सकती थी, छह नहीं कहती, सात की सात कह रही हैं। और फिर ये कौन सी बात है कि जो है अभी तो हमारे साथ फोटो थी, तो हमारे साथ फलाना था, तो ये था, तब तो कुछ नहीं था, तो 12 साल कुछ नहीं था, उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया कि 12 साल पहले ही आपके ऊपर जो है मुकदमा कायम हुआ था, टोक्यो ओलंपिक से लौटे थे तो भी आपके ऊपर आपकी शिकायत की गई थी। सारा मामला तो हसब कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, क्यों? क्योंकि और जगह ऊपर से नीचे जो है गंगा बहती है, यहाँ नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार की गंगा बहती जी, है। हाँ, यहाँ नीचे से ऊपर चलता है मामला, ऊपर से नीचे नहीं आता, नीचे वही लोग रखे जाते हैं जो ऊपर की इच्छाओं को पूरा कर सके। एक जी आखिरी सवाल आप दोनों से। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव और कर्नाटक चुनाव, और जो ब्रजभूषण सदन सिंह का जो बॉडी लैंग्वेज आवाज है उसमें अब थोड़ी सी नरमाहट दिख रही, तो क्या उनकी गिरफ्तारी का एक उचित अवसर देखा जाएगा चुनाव के बाद? संजीव जी, हाँ, बेसिकली क्या है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना राजनीतिक मुनाफा देखना है और राजनीतिक नुकसान भी देखना है। अगर वो भाजपा को लगेगा कि तो भाजपा नहीं पकड़ेगी, अगर अब भाजपा को लगने लगा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ राजनीतिक नुकसान हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने राजनीतिक लाभ के लिए गिरफ्तार भी कर सकती है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ये जरूर पूछे जाने चाहिए इस जनचर पे कि आखिर 30 इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स फेडरेशनों में अभी तक उसमें से 50% फेडरेशनों के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी क्यों नहीं है? खेल मंत्रालय क्यों नहीं कमेटी बनाया आज तक? खेल मंत्रालय ने क्यों नहीं उनको डायरेक्ट किया कि आप कमेटी बनाइए? जिन फेडरेशनों में कमेटी है उसमें पूरा का पूरा कमेटी के मेंबर्स नहीं है, जितने मेंबर होने चाहिए, जितना कोरम होना चाहिए। कुल मिला के सवाल सिर्फ कुश्ती फेडरेशन का नहीं है, फेडरेशन का है कि सरकार पॉलिटिकल कंट्रोल जो फेडरेशन है वहां पे पैसा से लेके यौन उत्पीड़न के मामले बहुत ही ज्यादा है। और चूंकि इस समय मैक्सिमम फेडरेशनों में बीजेपी के लीडरों का कब्जा है, तो ऑटोमेटिक है कि यौन उत्पीड़न और पैसे के हेराफेरी का कोई मामला आएगा तो ये पकड़े जाएंगे, दूसरे तो पकड़े नहीं जाएंगे। तो मामला सिर्फ अब ये कुश्ती फेडरेशन तक का नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल वाले तमाम जो फेडरेशंस हैं वहां जो पैसे का घालमेल और यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं, तो पैसे के घालमेल तो मामला दब जाता है। बहुत वर्षों पहले विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी, जिसमें सभी सरकारी हो, निजी हो, खेल फेडरेशन हो, कहीं भी हो, जहां जो है वो क्या कहते हैं आपका ये कमेटी बनने की बात थी जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न या इससे सब संबंधित थी। तो मैं तो समझता हूँ कि इसको पार्लियामेंट में भी होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में भी जो है विशाखा गाइडलाइन के अनुसार या विधानसभाओं में भी विशाखा गाइडलाइन के अनुसार, विधानमंडलों में भी जो है कोई कमेटी नहीं है। ये तो आपके जो है वो लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष या राज्यसभा उपाध्यक्ष या राज्यसभा के चेयरमैन, इन सबको सोचना चाहिए कि यहाँ पर भी भले सदस्यों की ही एक आप कमेटी बनाइए, जैसे तमाम कमेटियां बनती हैं, जैसे संसदीय समिति बनती है वैसे इसकी भी कमेटी बनाइए। यहाँ मामला ऊपर से नीचे का है, जब ऊपर ही नहीं रहेगा तो नीचे क्या रहेगा, खेल मंत्रालय में कमेटी होना चाहिए। और ये जितना आप समझिए, महिला उत्पीड़न हमने आपसे एक पहले एक दिन पहले कहा था कि जितना भी परफॉर्मिंग कार्य है उस सब में जो है इस तरह का जो है क्या कहते हैं चाहे सहमति या असहमति से इस तरह की सब जो है परंपरा है। दूसरी बात, जो निर्णायक की जगह पर बैठा होता है कोई भी हो, फिल्मी माली बना रहा हो और करोड़ों रुपया फिल्म में इन्वेस्ट कर रहा है, तो सोचता है कि जो है वो पूरी वसुंधरा वो उसके जो है पैर के नीचे रहे, जांघ के नीचे रहे, तो क्या करेंगे इसके लिए?
ये तो एक जो है मानवीय स्वभाव है। यही नहीं, कोई महिला फिल्म बनाती है तो सोचते हैं कि पूरा पुरुष पुरुष जो उसका कलाकार वाला समुदाय है या जो लेस्बियन है वो उनके उसके नीचे रहे। तो ये सब तो मानव स्वभाव में ये सब बात शामिल है। सवाल इस बात का है कि चुनाव के बाद इनको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, ये आंदोलन बिना गिरफ्तारी के खत्म नहीं होगा, बल्कि ये जो है क्या कहते हैं ज्यादा जिद करेंगे तो जो है और धर्मिता दिखाएंगे तो हो सकता है कि ये यहां तक पहुंच जाए कि जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होगी तब तक हम नहीं हटेंगे, ये वहां तक मामला जा सकता है। तो इसलिए इनको आज या कल या चुनाव के बाद, अभी तो ये हो सकता है चुनाव तक 2-3 दिन 4 दिन कुछ ना करें, उसके बाद अगर चुनाव के बाद इनको इसके ऊपर जो है वो प्लस माइनस का वो जो है डिसीजन लेना ही पड़ेगा, और ये दोनों बिल्कुल डिसीजन इनके लिए एक एक और कुआं एक और खाई होगा, क्योंकि इधर होंगे तो उधर नाराजगी होगी, उधर होंगे तो उधर नाराजगी होगी। अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि राजपूत समुदाय के कई लोग ये आह्वान कर रहे थे कि अब हम लोगों को भी जो है बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में चल करके और जो है वहां जंतर मंतर पर धरना देना चाहिए। तो बल्कि मैंने कमेंट में लिखा कि किसी बलात्कारी के साथ कोई छत्री नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो पता चलाना लगाना पड़ेगा कि उसका डीएनए कितना सही है। तो क्या एक तरह का ये गृह युद्ध की स्थिति बनेगी, एक तरफ नहीं नहीं समर्थक। गृह युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी, ये भाजपा के जो है पराजय या भाजपा की विदाई का कारण बनती जा रही है। भाजपा जितना संभालने की कोशिश कर रही है उतना ही जो है एक नए के एक नए के एक नए जो है वो क्या कहते हैं बवाल जो है वो सामने आता जा रहा है, चाहे यहाँ हो कर्नाटक हो पूरे देश में हो, हर जगह की स्थिति यही। संजीव जी, फाइनल कमेंट्स क्या निकाय चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तय है क्या? जेपी सिंह साहब कह रहे हैं तय है। हाँ देखिए, निश्चित रूप से इनकी राय से मैं सहमत हूँ कि अभी चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट ना पड़ जाए, इसलिए भाजपा वाले वेट करेंगे। और सवाल तो यही है कि भारतीय भाजपा ने जो बोया है वो काट रहे हैं। भाजपा ने रिलीजियस पहले कन्फ्रंट्रेशन पैदा करवाया, जातीय कन्फ्रंट्रेशन के लिए भाजपा ने कई तरह के अलग अलग बढ़ा दिए, ओबीसी एमबीसी इस कास्ट को उसके कास्ट, कर्नाटक में है तो लिंगायतों के खिलाफ बोकलिग्गा, उत्तर प्रदेश में है तो यादवों के खिलाफ कुर्मी, बिहार में है तो बैकवर्ड के में ही ओबीसी के खिलाफ एमबीसी, दलितों में दलित तो महादलित। ये तो भाजपा का जो इस तरह का गुणा गणित, जब इतने सोसाइटी को आप बांट के पॉलिटिकल अगर उसको राजनीति करेंगे और उनको इस तरह से पॉलिटिकली पहले आप इम्पावर करते हैं एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके, तो जब वो एक दूसरे के खिलाफ एम्पावर होकर खड़ा होंगे तो कल को जब कोई बात होगी तो आपके हितों पे भी तो अटैक होगा। और वो सामने आ रहा है, नजर आ रहा है कि आप जो जो जाति की राजनीति को जो भाजपा ने जिस ढंग से बहुत ही तरीके से उसको जो गूथा है माला में, तो उसका रिपरकशन नजर आ रहा है जो फिलहाल जो भी नजर आ रहा है। और चूंकि ये दोनों मजबूत जातियां बाय एंड लार्ज इस समय बीजेपी के साथ है, ट्रेडिशनली जो जाट कम्युनिटी बीजेपी के साथ नहीं रही है, लेकिन चूंकि 2000 के बाद हिंदुत्व के लहर में जाट भी आए तो वो दोनों कम्युनिटी बीजेपी के बीच है, और अगर उनके बीच आपसी कन्फ्रंट्रेशन पैदा होगा तो पॉलिटिकल जो इसका जो फॉलोआउट होगा उसको बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। चलिए, एक कहावत है कि मशाल लेकर कोयले की खदान में रोशनी नहीं करनी चाहिए, उससे आग लगने की पूरी संभावना होती है। देखिए, यूपी निकाय चुनाव के बाद क्या ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी तय है। इधर खाप पंचायत जंतर मंतर पहुंच चुकी है, पहलवान डटे हुए हैं और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जेपी सिंह साहब ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, वैसे अड़ियल और कृषक जातियां हैं, ये भी हो सकता है कि गिरफ्तारी के बाद भी कहें कि जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होगी तब तक हम लोग धरने पर डटे रहेंगे। आप सभी का शुक्रिया, देख रहे हैं आप अंबेडकर नामा, और पूरा गंभीरता से जेपी सिंह साहब को, संदीप जी को आप सुन रहे हैं, इस वीडियो को भी सुनिए। और अगले एपिसोड में लिए चलूंगा मणिपुर। मणिपुर में वहां भी हिंदू आदिवासी आदिवासी तमाम घाल मेल वहां भी है, और जिस बंटवारे की बात संजीव जी ने की है वो देखें कि मणिपुर में किस तरह का बंटवारा है, और वहां हिंसा में इतने लोग 54 लोग मारे गए हैं, आखिर क्या वजह है? सिर्फ हिंदू और आदिवासी का मसला है या कुछ और भी? शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नमा। शुक्रिया सर, थैंक यू।